जाप सरकार के द्वारा 11 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से तैयार किए गए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया। इस प्लांट से अब तक क्षेत्र की 2500 एकड़ भूमि की सिंचाई की जाएगी। इस मौके पर उनके साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री व मौजूदा विधायक सुंदर श्याम अरोड़ा भी मौजूद रहे। वहीं जब पत्रकारों ने सरकार के द्वारा पंजाब के समूह गांव के गरीब परिवार को 5-5 मरले जमीन देने के वादे पर बात करनी चाहिए तो मंत्री राणा गुरजीत सिंह पत्रकारों के सवालों से बचते हुए नजर आए। छोटिया छोटिया पहल भी होली है जी 11 करोड़ रुपये की लागत के नाल करीब 2500 एकड़ सिंचाई किया जाऊगा। पहला लोग इनू नाले सुटते सके और पानी सही महीने से अगे जाके साडा वाटर टेबल भी खराब करता सी और पीने वाले पानी दे विच जाके मिलना गंदे पानी का ठीक नहीं आ। और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आ जिदी मैं जिनी शलाघा करा मौजूदा हालात उन्नी थोड़ी है। देखो जी इस तरह आ जी पंचायत की जमीन होंगी है सही महीने जो पिंड की जायदाद है चाहे कोई लेबरर है चाहे कोई जिमीदार है सारे की साझी होंगी है और लैंडलैस या शड्यूल कास्ट या बेघरे जिन्हों के परिवार व्डे हो जाते हैं उन्होंने असी दे दी है। बाहर वाले देखो बाहर वाले जो दे दी आ उदो फिर पिंड वाले रौला पाते हैं। साहिबगंज के भरवा से फिर एक बार स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही।